Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notifications. Don't forget to hit the like button. Hello everyone. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब। जैसे कि आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब का मतलब होता है कि यूनिट्स जो हैं उस क्यूब के आठों कॉर्नर पे होंगे और एक जो है सेंटर में होगा। यदि कोई मैटर बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, जैसे सोडियम जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। देखिए सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूब है, लेकिन खुद सोडियम जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। इसका मतलब आठ कॉर्नर और एक सेंटर में सोडियम होगा, तो कितने लैटिस पॉइंट्स हो जाएंगे? 9। और यहां पे भी हमें देखना है कि टोटल कितने यूनिट्स हैं, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और उसके अनुसार पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले देखते हैं कि ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, तो सबसे पहले तो यहां हम देखेंगे कि क्यूब में कहां पे हैं ये यूनिट्स। ये देखिए ऐसा हमने एक क्यूब बना दिया और इस क्यूब में जो यूनिट्स हैं वो हैं कॉर्नर्स पे। तो ये देखिए आठ कॉर्नर को हम ड्रॉ करेंगे, ये लैटिस पॉइंट्स है, एग्जैक्टली यूनिट नहीं है। यूनिट होते तो बड़े बड़े होते, यहां पे जो है लैटिस पॉइंट और एक जो है बीच में है, तभी तो देखिए ये पूरे कॉर्नर से घिरा हुआ है। तो ये हो गया बॉडी सेंटर क्यूब, एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये क्यूबिक वॉइड के अंदर एक आ गया। अब यहां पे हमें कंडीशन देखना है, तो क्यूब है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, अल्फा बीटा गामा सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री है। ठीक, अब यहां पे ये देखिए ये जो क्यूब के सेंटर में है ये इस डायगोनल पे टच करते हुए नजर आएगा। अब यदि मैं यहां पे नंबरिंग नाम डाल दूं ए बी पोजिशन का, ये सी, तो यहां से देखिए एक डी ऐसा भी मैंने लिया है। ये देखिए एक दो तीन, ये तीन जो है यहां पे एसी के ऊपर टच करेगा। तो बताइए ए बी, ए बी कितना है? ए बी डी ये कितना है? ए डी सी कितना है? ए। तो अब यदि मैं ये ट्रायंगल ले लू, ये देखिए ये ट्रायंगल नीचे का जो ट्रायंगल है इसको मैं ले लू, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो बी सी होगा वो क्या होगा? फेस डायगोनल, क्योंकि इस फेस का वो डायगोनल हाइपोटेन्यूस सही है। तो यहां जो है इस तरह से निकालेंगे, तो यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, पहले तो लिखेंगे कि लैटिस पॉइंट्स कितने हैं यहां पे। लैटिस पॉइंट्स आठ और एक, तो यहां पे मैं डायरेक्ट 9 ले रहा हूं, 8 + 1 = 9, ताकि आपको याद हो जाए 8 कहीं पे है और 1 कहीं और है, तो ये टोटल 9 हो गया, ये लैटिस पॉइंट्स हो गया। अब ये मालूम है कि ये जो कॉर्नर पे है ये 1/8 हमारे हिस्से में है। ये देखिए जितना हिस्से में आया 1/8 है और ये पूरा का पूरा यूनिट जो है इस क्यूब के अंदर है, इससे पूरा का पूरा 1 है। तो यहां पे लैटिस पॉइंट्स 8 + 1 = 9 हो गया। तो अब हम लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कंट्रीब्यूटेड, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 कॉर्नर वाले और प्लस 1 ये, तो कितना हो गया? 2। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया 2। अब ये बताइए आप कि जब हम वॉल्यूम लेते हैं यूनिट्स का, तो 4/3 πr³ तो 1 का हो गया, तो 2 × 2 × 4/3 πr³ हो जाएगा। अब हमें जो है देखना है कि ये 1, 2, 3 यूनिट जो है आपस में टच करें तो एसी का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ऐसा हम ले लेंगे, तो पहले मैं लूंगा यहां पे इन ट्रायंगल बी सी डी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये भाग, इसको मैं ऐसा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू आएगा तो उसमें 3 यूनिट जो है टच करते हुए नजर आएंगे। तो इस ए डी एसी के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा बी सी, तो इन बी सी डी हम लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए, और यहां पे बी सी क्या है? बी सी है फेस डायगोनल, तो यहां पे बी सी है हमारा फेस
डायगोनल। ये देखिए एक ऊपर का फेस है, एक नीचे का फेस है, तो नीचे के फेस पे ये फेस डायगोनल। अब ये जो फेस डायगोनल है ये बीसी वैल्यू कितना आ जाएगा? अब ये देखिए ये है ए, ये है ए, तो ये रूट टू आ जाएगा हमारे पास। ये बिल्कुल क्लियर हुआ? तो ये बीसी इज इक्वल टू रूट टू है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे बीसी रूट टू ए आ गया। अब यदि मान ली हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी बताइए ए बी सी में ये ए है, ये रूट टू ए है, तो ए सी कितना आ जाएगा? तो यहां पे हम लेंगे ए सी इज इक्वल टू, क्लियर है ये? तो ए सी हमारे पास क्या है? बॉडी डायगोनल है। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट थ्री ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो रूट थ्री ए, ये हो गया ए सी हमारा। ए सी है बॉडी डायगोनल। अब आपको मालूम है कि वन टू थ्री यूनिट्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए आप एक दो तीन, ये तीन यूनिट यहां से ऐसे टच कर रहे हैं। अभी देखिए आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये जो डिस्टेंस है जो हमने निकाला है ये कितना है? रूट थ्री ए। और ये रूट थ्री ए कितने के बराबर है? फोर आर के बराबर। तो यहां हमारा आ गया रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर बाय रूट थ्री आर, ये ए का वैल्यू आ गया। क्यों ए का वैल्यू चाहिए? क्योंकि हमें यूनिट सेल का क्यूब चाहिए, ठीक है, ए क्यूब हमें निकालना पड़ेगा। अब यहां पर हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ टू यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएगा? टू इंटू ये हो जाएगा फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब। और ए का वैल्यू हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे यदि मान लिए ए का वैल्यू मैं अभी डाल दू फोर बाय रूट थ्री आर होल क्यूब, तो 16 ये हो गया 64 आर क्यू डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री, तो ये वैल्यू हो गया ए क्यूब का। अब पैकिंग फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम हम करते हैं। तो यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट कितना है हमारे पास? 2 इंटू ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू ये आ जाएगा 8 बाय 3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है? 64 आर क्यूब, 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, 8 बाय 3 पाई आर क्यूब इंटू 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 64 आर क्यूब। अब ये देखिए आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, इसका 8 से ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? पाई रूट 3, तो ये हो जाएगा पाई रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, तो आ गया 3.14 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 8, ये करीब 0.679 इक्वलेंट टू 0.68 आता है। अब अगर यदि 0.66 आ गया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 और 68% एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी हम लिख सकते हैं 68%, तो वाइड कितना हो जाएगा? 32%, मतलब इसके अंदर 32% जो है खाली है और 68% जो है भरा है। तो यह था हमारा पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसे एक बार देख लीजिए, इस बॉडी डायगोनल पे तीन यूनिट है, तो रिलेशन यहां पे रूट थ्री ए इक्वल टू फोर आर होता है, इसमें टोटल यूनिट्स कंट्रीब्यूटेड दो है, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो है ये कितना हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, और ये ए आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फाइनली जो है 68% जो है पैकिंग आता है इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब में, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए।